नमस्कार। और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं और उनको देख के हमेशा नए नए आइडियाज़ आते हैं वो वीडियोस बनाने के लिए जो आप सबको हेल्प करेंगे बजाय कि किसी पर्टिकुलर इंसान के या एक पर्टिकुलर केस के। राइट। और आज बात करते हैं BDS अलॉटमेंट, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोज़ दे सुनते होंगे रिगार्डिंग MBBS, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और क्या कट ऑफ है गई वगैरह वगैरह। मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था विद ड्यू रिगार्ड्स हिंदुस्तान में, जहाँ तक मेडिसिन की बात आती है MBBS MBBS है, तो चाहे BDS हो चाहे आयुर्वेदिक हो, सरकारी कॉलेज में दिक्कत है। मतलब सरकारी कॉलेज चाहे वो BDS के हैं, गिन के जो MCC के अंडर आते हैं शायद 43, या आपके हर स्टेट में एक दो एक दो एक दो होते हैं, और हर स्टेट के सरकारी कॉलेज का 15% कोटा तो ऑल इंडिया में होता ही है। तो आप रफली मान के चलिए कि जितने हमें इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं जो मेरे सामने आप देख रहे हो, उतने ही सरकारी कॉलेज एक्चुअली टोटल है। राइट। तो अगर हम सारे सरकारी कॉलेज जोड़ लें और इस बार सिर्फ BDS लें, तो हमको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि हमारे पास कुल BDS में कितने कॉलेज हैं। और उतने ही कॉलेज हैं, चाहे वो अगरतला का एक हो गया, या अपना बर्दवान वाला जो बंगाल का हो गया, ये मणिपुर का एक आ गया, ये झारखंड का एक आ गया, ये बंगाल का एक और आ गया, ये दिल्ली का फेमस जो ESI में होता है डेंटल, तो वी कैन काउंट। राइट। या आपका पूरे यूपी का एकमात्र लखनऊ के अंदर जो KMU का है वो आ गया, सिमिलरली हरियाणा का एक आ गया। तो ऐसे गिने चुने हैं कुछ सीटें हैं जो ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, और कुछ सीटें हैं जो अपने अपने स्टेट्स में जाएंगी ना, बाकी 85%। और यही सरकारी कॉलेज की वो है, उसके बाद हर स्टेट में कॉलेज है। यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ किसकी, क्योंकि ना मेरे पास एक क्लाइंट अभी भी फ़ोन आया और वो बेचारे वापस आ रहे हैं, मैं उनका और नाम नहीं लूँगा और डिटेल नहीं बताऊँगा, और वो शायद उन्होंने सोचते जाते जाते मेरा BDS वाला वीडियो देखा, ही वॉज राइट देयर टेकिंग द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, और शायद वो कॉलेज मेरे को गालियाँ देगा। और जैसे कहते हैं मैंने, और उन्होंने मुझे मेरा लास्ट वाला BDS वीडियो सोच लिए, वो कहते हैं सर हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन, वो दिल्ली से बहुत दूर गए हैं। लेट मी टेल यू, एक तरफ की उनकी 10,000 की तो फ्लाइट की टिकट लग गई होगी, और वहाँ पहुँच के वो वापस आ रहे हैं सिर्फ मेरा वो वीडियो देख के। कल सुबह वो दिल्ली आएंगे और सीधा वो मेरे ऑफिस सुबह 7 बजे बात करने आएंगे, और मैंने कहा चलो सर आप आ जाइए, क्योंकि तो वो दिल्ली के रहने वाले वाले नहीं हैं, उनको आगे कहीं और जाना। तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखिए मणिपाल तो मणिपाल है, लेकिन मणिपाल से सिर्फ एक कॉलेज हम कुछ भी सोच लें कुछ भी, तो पहले हम बात करते हैं जो एक तरह से नॉर्थ इंडिया कॉलेज हो गया मानव रचना। अभी और अब ना बार बार एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ये जो लिस्ट आई है ना राउंड 1, ये सिर्फ अलॉटमेंट थी, ये जानते हुए भी कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, करेक्ट? तो काफ़ी बच्चे सिर्फ कहते हैं कि मज़े के लिए भर देते हैं, और मज़े के लिए भी सिर्फ 59 लोगों ने भरा है इस फॉर्म को, जबकि जो टोटल सीटें हैं, सॉरी जो टोटल सीटें हैं मानव रचना में BDS की, वो 100 है। और देखो मेरे मानव रचना से कोई पर्सनल वो नहीं है, वो तो सामने मानव रचना का नाम आ गया तो मैंने जिक्र कर लिया। तो मानव रचना हैज गॉट 100 सीट्स, जिसमें से कि अभी 59 तो एलोकेट हुई हैं, और ये ली नहीं गई हैं अभी, क्योंकि मैंने कहा ना कि राउंड 1 तो फ्री एग्जिट होता है, तो कई लोग होता है कि MBBS के नीचे भर देते हैं। और आप बताइए, सबसे ऊपर आ रहा है AB शेट्टी, चलो ये देखते हैं AB शेट्टी क्या पोजिशन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एलोकेटेड है 58, टोटल सीटें कितनी है जी AB शेट्टी में डेंटल की, 100, एलोकेट कितनी हुई 58। चलो अल्फाबेटिकली आगे चलते हैं ताकि आपको कोई ना लगे, अमृता जो कि इतना मशहूर है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो लोग मरे जा रहे हैं अमृता फरीदाबाद में एडमिशन लेने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू डेंटल 31 अलॉटमेंट हुए हैं, जबकि अमृता कोची में BDS की 57 सीट है, और अभी 31 तो एलोकेट हुई हैं। क्लियर हो रहा है सब कुछ? और अगला, और देखो बिल्कुल मैं सीरियल ऑर्डर में चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैंने छांट के कुछ निकाला है। भारतीय विद्यापीठ ले लेते हैं जी, DU डीम टू बी डेंटल कॉलेज पुणे वाला, ठीक। जैसे आगे ना एक और भी आ रहा है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं गलत तो नहीं ले रहा। अच्छा ये इनके मुंबई में भी है, मुंबई में इनका वो तो है नहीं MBBS कॉलेज, पर वो बना रखा है डेंटल कॉलेज। चलो तो जी भारतीय विद्यापीठ की होगी 90 एलोकेशन, क्योंकि ये पुणे का है, उस तरफ का जाना माना है, और शायद इसने अच्छा करा होगा और इसकी सारी हो गई है। देखते हैं पुणे वाला, गुड।
तो इसकी सारी अलोकेशन हो गई है, तारीफ है जी, और आखिरी रैंक गई है 7,04,000 रुपये। ठीक है, मुझे जरूर कोई अच्छा कॉलेज होगा। थोड़ा और आगे पीछे देखते हैं, JSS डेंटल कॉलेज देखते हैं जी, जगह JSS हम जानते ही हैं MBBS में लोग मतलब मरते हैं एडमिशन लेने के लिए, ऑल इंडिया डीम्ड की कट ऑफ है 4-5 पे है, इसमें भी अच्छा अलॉटमेंट हो गया है, चाहे नीचे 12 लाख तक गया है, पर चलो फिर भी 89 लोगों ने भरा तो सही, पर कुछ आपने जगह देख लिया जहाँ 59-60 तक ही हुआ है। ठीक है, मानव रचना हमने देख लिया, और हमारा नॉर्थ में पड़ता है MM कॉलेज, जो MM मुलाना, वंस अगेन बहुत अच्छा MBBS का जो कॉलेज है, उसमें देखते हैं कि BDS में टोटल अलॉटमेंट 63 है, और मुलाना में देखते हैं कि टोटल सीटें कितनी है, और फिर मैं ये रोक दूंगा क्योंकि आई थिंक आप ना कॉन्सेप्ट समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा था। 95 सीटें हैं, 5 उन्होंने इसमें NRA छोड़ रखी हैं, पर अभी तक तो अलॉटमेंट ही हुई, दैट मीन्स कि आप जस्ट नीट क्वालिफाइड हो तो भी मिल जाएगा। तो मुद्दे की बात क्या है, मैंने आपको चीज़ क्यों दिखाई, देखिए जी MBBS MBBS है, सरकारी तो छोड़ो, अच्छे प्राइवेट की भी कोई सीट नहीं मिलती, अच्छे प्राइवेट की राइट है, लेकिन इसके अलावा चाहे वो डीम्ड मेडिकल हो, चाहे आपके आपके स्टेट्स के मेडिकल हो, अनलेस अनटिल 5-6 कॉलेज को छोड़ दो तो ठीक है, आप शायद अभी से सोच लेते कि मैंने BDS करनी है तो आपको मणिपाल BDS मिल जाता, विच इज बेस्ट BDS, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, उस केसेस को छोड़ दो, चाहे आप गवर्नमेंट BDS, गवर्नमेंट BHMS, गवर्नमेंट BAMS में फाइट रही है कंपटीशन, लेकिन जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर आ गए, चाहे वो डीम्ड BDS हो, चाहे वो डीम्ड या प्राइवेट BDS हो, चाहे वो डीम्ड या स्टेट प्राइवेट BHMS हो, डीम्ड या स्टेट प्राइवेट BHMS कॉलेजेस हो, और इसके अलावा जैसा मैंने कहा पौंडीचेरी और तमिलनाडु की 15 में से शायद 13 यूनिवर्सिटी, सिर्फ श्री रामचंद्र को छोड़ दो 14 पकड़ लो, 14 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। सिमिलरली कुछ स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस जो बहुत महंगी फीस वाले हैं, स्पेशली राजस्थान के, इन सब कॉलेजेस में आप ये मान के चलिए कि आपके लिए खुला द्वार है, आप अगर जस्ट नीट क्वालिफाइड हैं तो भी। हाँ, मैं बिल्कुल अपनी बात पे अडिग हूँ कि इन कॉलेजों से MBBS करना, खासकर जो कुछ इनमें भी हल्के कॉलेज हैं, और चाहे कम फीस वाले हल्के कॉलेज हैं, काफ़ी जगहों से प्राइवेट से BDS करना, प्राइवेट से कॉलेज हो चाहे डीम्ड हो, BAMS करना BHMS करना कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बेटर है कि आप अपना करियर भी चेंज कर सकते हैं, या अगर MBBS करें और इंडिया में सीट बिल्कुल नहीं मिल रही अच्छी क्वालिटी की, तो आप बाहर के ऑप्शन भी दे सकते हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, लेकिन कुछ भी वो डिसीजन लेने के लिए कोई जल्दी नहीं है। पहला टिप, आराम से आप 1 महीने MBBS का सो सकते हो, और ये सारी ही BDS सीटें अवेलेबल हैं, अगेन मैंने रिपीट किया, मे भी शायद यही फ़र्क है कि आज आप सोचते तो मणिपाल मिल जाता, लेकिन महीने बाद सोचोगे तो मणिपाल नहीं मिलेगा तो शायद JSS की डेंटल सीट मिल जाएगी, या मुलाना की मिल जाएगी, या मानव रचना की मिल जाएगी, या और जो इस लिस्ट में इतने सारे कॉलेज हैं उनमें से किसी की मिल जाएगी राइट। और ये सारे भी, और मैंने कहा ना कि ये तो एक छोटी लिस्ट है, कि KM शाह वही होगा जो अगेन सुमनदीप के अंदर होगा, ये छोटी लिस्ट है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्टेट प्राइवेट कॉलेज आपके हर स्टेट में है, सिर्फ 23 अलॉटमेंट हुई है उस कॉलेज में जो कि मशहूर है MBBS के लिए राइट। तो KM शाह का देखते हैं भाई कितनी सीटें थी, 75 सीटें थी, अभी तक एलोकेशन ही 23 हुई है, तो आपको आराम से थर्ड राउंड में भी फोर्थ राउंड में भी मिल जाएगा, तो अगर आपने लेना भी है सोच समझ के लीजिए, जो मैं आपको समझाता हूँ कि इन सब कॉलेजों में चाहे वो डीम्ड या प्राइवेट BDS हो, डीम्ड या स्टेट प्राइवेट BAMS हो, डीम्ड या स्टेट प्राइवेट होम्योपैथी के हों, चाहे वो महान तमिलनाडु पौंडेचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो राजस्थान के सुपर महंगी मैनेजमेंट सीट देने वाले कॉलेजेस हों, अनंता अमेरिकन बचा हुआ पैसिफिक गीतांजलि, इन सब जगह पर यू आर दी नेगोशिएटर, यू आर दी पर्सन, और इन सब जगहों पे आपको बाद में जो आखिरी टिप और फेमस टिप है वो ये है कि नेगोशिएशन से भी सीट मिल सकती है। जी हाँ, तो जब आप देख ही रहे हैं तो यही सब कॉलेज हैं जो इनकी छपी हुई फीस है ना उससे भी कम फीस में आपको सीट दे देंगे, तो अगर आपने फैसला कर ही लिया कि आपने यही करना है, MBBS अब्रॉड करने नहीं जाना है, तो कीजिए,
लेकिन फिर मेरी सलाह ये है कि आप जहाँ भी जा रहे हो, मैं नहीं कहना खराब, देखिए के एम शाह खराब नहीं है, डेंटल कॉलेज अब चला खराब नहीं है, लेकिन BDS में इस समय सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। ऐसे ऐसे कॉलेजों की भी सीटें खाली जा रही हैं, तो जब सीटें खाली जा रही हैं तो आपको राउंड वन में लेने की क्या जरूरत है, और राउंड थ्री में आप लेने जाएंगे तो आप नेगोशिएट करके सीट की बात कर सकते हैं। उस नेगोशिएशन में अगर आपको शर्म आती है, आपको दिक्कत होती है, यू कैन टेक अवर हेल्प। मैं हमेशा कहता हूँ कि GK वर्स वी आर करियर काउंसलर्स इन विच वी आर ऑल्सो MBBS काउंसलर्स, बट ब्रॉडली वी आर अ करियर काउंसलर। और भाई जब आप मेरी बातें सुनते हो तो आपको भाई एहसास होता है ना कि हम सिर्फ MBBS एजेंट नहीं है, हम करियर काउंसलर हैं, बट करियर काउंसलर के साथ हम MBBS काउंसलर भी हैं। और हम ये जरूर कह सकता हूँ मैं आपको कि हम हिंदुस्तान के सारे एजुकेशन एजेंट को जानते हैं पर्सनली, अच्छे बुरे दोनों। सो जो अच्छे एजुकेशन एजेंट्स हैं उनको हम जानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने के प्राइवेट या डीम्ड BDS, प्राइवेट या डीम्ड BMS मेरी पर्सनल पहचान है या GK वर्ष की पर्सनल पहचान है, बट हम उन 20 अच्छे एजेंट्स को जाते हैं, ईमानदार एजेंट्स को जानते हैं जिनकी पहचान इन कॉलेजेस में है। तो अगर आपने फैसला कर ही लिया है इनमें से किसी जगह पढ़ने का, तो स्टिल गिव अस अ कॉल वंस, हायर अस। मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि आपने कॉलेज फाइनल कर लो, खुद फ़ोन कर लो, खुद हो के आ जाओ, और जो आपको फाइनल प्राइस उस कॉलेज में मिल रहा है उसके बाद बेशक हमें फ़ोन कर देना। मैं अपने चैनल के थ्रू जैसा मैंने कहा, जो भी उसकी फीस होगी उसे कम से कम 10% आपका बचवा दूंगा, और जितना हम आपका बचवाएं उसका 10 या 15% हमको सर्विस चार्ज दे देना। ऑफ कोर्स आपको हमारी पहली फीस जो 2,500 या 5,000 है वो देनी पड़ेगी हमसे बात करने के लिए, और आप अगर हमें इस एक्सरसाइज में एंगेज करेंगे तो भी हम शायद नॉमिनल अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे 10-15 हज़ार रुपये का, क्योंकि देखिए आप मुझे बोलोगे जी मैंने इस कॉलेज में जाना है और मुझे इतनी फीस फिलहाल मिल रही है, मैं आपको बेटर पक्का दिलाऊंगा, नहीं दिला पाया तो मैंने जो आपसे 15,000 रुपये लिए हैं 20,000 रुपये वापस कर दूंगा। लेकिन चक्कर है मैंने आपके सारे बात कर ली, मैंने आगे बोला उस गुड एजेंट को, उससे कॉलेज में बात की, आपके लिए फीस नेगोशिएट करी, और पता चले फिर आप गायब हो जाओ, तो देखिए चेन के अंदर बहुत सारे लोगों की बेइज्जती हो जाती है। जब आप श्योर हो कि आपको डीम्ड या स्टेट प्राइवेट कॉलेज लेना है, सो लेने से पहले एक बार GK वर्ष पे 9643362320 पे जरूर कॉल कीजिए, और शायद आपको जो फिलहाल आप प्राइस देने वाले हो उससे बेटर प्राइस मिल जाए। यही MBBS NRI में भी होता है, तो अगर राउंड टू में भी जो भी आप में से भी कोई NRI कन्वर्ट होने वाला है, और तो जो भी आपको पैकेज मिल रहा है उससे बेटर पैकेज शायद हम आपको दिला पाएंगे। अगेन आई रिपीट, एज ए काउंसलर मैं हमेशा कहता हूँ अपने सब लोगों की थर्ड राउंड तक हम नॉर्मल MBBS सीट की ट्राई करते हैं और हमें मिल ही जाएगी। बट ठीक है किसी के 150 मार्क्स है, बिल्कुल कम चांस है नॉर्मल अच्छा कॉलेज मिलने का MBBS, और आपके पास NRI के पेपर्स हैं तो हम आपको NRI सीट नेगोशिएटेड प्राइस पे दिला सकते हैं। हम आपको पौंडीचेरी तमिलनाडु के डीम्ड या राजस्थान के फ्यूचर में कॉलेज है, और भी पूरे इंडिया में जितने महंगे कॉलेज हैं वो नेगोशिएटेड प्राइस पे दिला सकते हैं। और देखिए जो नेगोशिएशन कर रहा है वो अक्सर या तो अच्छा नहीं होता या उसे पहले बहुत फालतू रेट बढ़ा रखा होता है और इसलिए वो नेगोशिएट कर रहा है, दो ही तो कारण होते हैं। अच्छे वाले ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा रखे हैं, ये संभावना सच होता बहुत कम है, और ये बहुत बहुत रेयर है, क्योंकि जो अच्छे हैं वो ये सीटें फिर भी MRP रेट पर भरी जाती हैं, बट एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेज वो जाम ऊंचे रेट पहले बढ़ा देते हैं फिर वो नेगोशिएट करते हैं, और वो नेगोशिएशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन BDS आयुर्वेदिक होम्योपैथिक आप मान के चलिए सरकारी कॉलेजों को छोड़ के मणिपाल जैसे 4-5 नाम छोड़ दो तो हर एक कॉलेज नेगोशिएट करता है, और वो नेगोशिएशन में आपको हमारी हेल्प चाहिए तो भी हमें कॉल कर सकते हैं 9643362320 पे, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जानते ही हैं। बात करने के लिए फिर आपको पहले 2,500 देने पड़ेंगे, मीटिंग के 5,000 देने पड़ेंगे, और उसमें तय हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से हम आपके लिए ढूंढ देंगे, या कोई आपने ढूंढ रखा है आई रिपीट आपको बेटर नेगोशिएटेड प्राइस पे आपको वो सीट दिलवा देंगे, पैकेज पे दिलवा देंगे। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।